ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज के दौर में कान की समस्याओं का एक आम मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहा है लोगों को। कान में जैसे कि घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, बेल्स या कुछ और उसकी वजह से रात को सो नहीं पाते, क्योंकि जब रात को सोने जाते हैं चारों तरफ शांति का माहौल रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील मोर साउंड इन योर ईयर्स, यानी कि ऐसा लगता है अंदर से कुछ तो घंटी बज रही है या कुछ अनकंफर्टेबल आवाज आती रहती है, जिससे कि इंसान बहुत स्ट्रेस में चले जा रहा है और दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसे मेडिकल साइंस में टिनिटिस कहते हैं। टिनिटिस यानी कि सम साउंड इज कमिंग इन योर ईयर। तो टुडे आई विल शो यू 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक। वन इज द ब्रीथिंग टेक्निक, वन इज द एक्यूप्रेशर टेक्निक, हाउ टू गेट रिलीफ ऑफ दिस टिनिटिस। डेफिनेटली इससे बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों ने इसे अपनाया है उससे उन्हें बहुत आराम मिला, टिनिटिस से बाहर आए हुए हैं। इसके बाद भी मैं कुछ और वीडियो दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे हम थोड़ा प्रेशर देके अपने ब्रीथिंग के थ्रू और थोड़ी एक्यूप्रेशर के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा और बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपको करना है ब्रीथिंग टेक्निक करनी है। ब्रीथिंग टेक्निक यानी कि पहले आपको एक भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम आप सभी को पता है, उसका वीडियो लिंक में दिया, फिर मैं बता दे रहा हूं कैसे। आपको दोनों अंगूठे को बाहर रखना है, ठीक है, इस तरह से आप अपने कान के पास लेके जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, यू विल टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, और एक हमिंग साउंड करते हुए, भौरे की तरह आवाज करते हुए हमें सांस को नाक से बाहर करना है। यू हैव टू एक्सहेल द ब्रेथ फ्रॉम योर नोज, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर योर ईयर यू शुड क्लोज एंड ओपन, मतलब कान को ऐसे बंद और चालू करना है, मतलब ये जो है हमारा इसे हमें बंद चालू करना है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से बंद चालू करेंगे और अपनी आवाज को निकालना है। तो लेट अस डू नाउ, ये कम से कम 3 से 5 राउंड करना है। पहले मैं एक राउंड करके बताता हूं आपको। पहले लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, आंखें बंद रखते हुए श्वास भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे नाक से बाहर करेंगे और हमिंग साउंड करेंगे और कान को बंद चालू करना है। लेट अस टेक वन मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। श्वास भरना है, भरपूर श्वास भरें, ब्रीथ इन एक बार और श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर निकालेंगे। Slowly and gradually exhale from your nose and humming sounds. Let us take a long deep breath in. Okay. So this you have to do at least 5 round. कम से कम 5 round करना है। उसके बाद फिर आप 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम फॉर द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको अपने श्वास को, अपने ब्रेथ को पूरे मुंह में भरना है। यू हैव टू इनहेल योर होल ब्रेथ इन योर माउथ, मुंह को फुला लेना है और उसके बाद थोड़ा सा उस ब्रेथ का, उस प्रेशर को, मतलब उन श्वास के जो अंदर आपने मुंह में भरा है उसको यहां पे उसको फील करेंगे। नाक को भी बंद करना है, मुंह को भी बंद करना है, ठीक है। कैसे करना है देख सकते हो, पूरा सांस पहले मुंह में भरना है, मतलब पहले तो पूरा ब्रेथ को खाली कर दे, उसके बाद लेट अस फुल योर होल माउथ विद द ब्रेथ। देखो आपको ना फुलाना है इसे, ठीक है, इस तरह से फुलाना है और हल्का सा प्रेशर आपका दोनों कानों की तरफ आए यहां पे वहां पे और फुला लेना। जब मुंह आपने फुला लिया, आपने हवा भर ली, ऐसे फुला ली है, नाक को भी बंद करना। यू हैव टू क्लोज योर बोथ नॉस्ट्रिल, दोनों नासिका द्वार को ऐसे बंद करेंगे, मुंह को भी बंद और ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। मेक श्योर जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, एकदम जबरदस्ती होल्ड नहीं करें, जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो और उस प्रेशर को फिर यहां पे फील करेंगे। यू हैव टू फील इन योर बोथ ईयर एंड देन स्लोली थ्रू योर नोज यू हैव टू एक्सहेल। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले पूरा मुंह को फुला ले,
ओके मैंने क्या किया, मुंह को फुलाया, नाक को बंद किया, श्वास को रोका, होल्ड द ब्रेथ, फील द ब्रेथ टू बोथ ऑफ योर ears, राइट एंड लेफ्ट, एंड देन स्लोली एक्सहेल फ्रॉम योर नोज एंड देन फ्रॉम माउथ. वन सेकेंड, लेट अस डू. वेरी सिंपल टेक्निक. क्या करना है, मुंह को फुलाना है, नाक को बंद करेंगे, बोथ योर नोज नॉस्ट्रिल्स, एंड देन लेट अस सी इफ यू कैन एक्सेलिंग यू विल फील सम प्रेशर, लिटिल प्रेशर हियर. आप श्वास को बाहर करने की हल्का सा कोशिश करेंगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे प्रेशर होगा. मुंह पे आपका ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपका प्रेशर हल्का यहाँ आना चाहिए. ठीक है, अभी देखिए वापस से मुंह फुलाऊंगा, नाक को बंद करूंगा और थोड़ा सा एक्सेल करने की कोशिश करूंगा ब्रेथ को होल्ड करके. मेक श्योर कि आपको यहां पे हल्का प्रेशर आना चाहिए. फिर से एक बार देखिए, ये आपको 7 से 10 बार करना है, 7 to 10 times. आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन उसी टाइम पे फील होगा, यू विल फील रिलीफ. उसके बाद अब आते हैं एक्यूप्रेशर. एक्यूप्रेशर जो है वो पहले मैं लेफ्ट हैंड में बता रहा हूँ. लेफ्ट हैंड की जो आपका थंब है, यू कैन सी दिस थंब, थंब की जो लाइनिंग है हमारी यहाँ की, ठीक है, आपको दो फिंगर्स दो उंगुल ऐसे करना है, 2 fingers, एंड नाउ यू कैन सी इट हियर. जो हमारा ये लाइन है जहाँ पे हमारी ये स्किन जो थोड़ी फेयर और थोड़ी डार्क आपस में मिलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ फेल, दिस इज लिटिल डार्क, और ये जो रेंज आप ऐसे देख रहे हो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मिलेगा. अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसके नीचे आपको हल्का सा इसको प्रेस करेंगे फॉर 1 मिनट. आपको थोड़ा सा यहाँ पे हड्डियों के साथ मिलेगा. अब फिर से देखो, ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे से लगता हुआ जो ये लाइन है, ये देखिए ये वाली रेंज वाली लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जैक्टली आपको मिलेगा. इसको आपको लगभग 1 मिनट तक हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आंखें बंद कर लेना है. आंखें बंद करते हुए अपने दोनों कानों के पास ध्यान लेके जाना. यू कैन फील योर बोथ ईयर्स, राइट एंड लेफ्ट. मोस्टली सम पीपल आर हैविंग इन जस्ट वन ईयर लाइक राइट और लेफ्ट. तो जहां पे जिस कान की तरफ आपका प्रॉब्लम्स है वहां पे अपने ध्यान को लेके जाएं और इसे हल्के हल्के से प्रेशर देना है. हल्के हाथों से, अंगूठे से, थंब से आपको अपने ब्रेथ के साथ पूरा ध्यान कानों के पास रखें. इसे लगभग 1 मिनट तक करना है. डू दिस प्रैक्टिस, डेफिनेटली इमीडिएटली यू विल फील सम रिलीफ. ये आपको लेफ्ट हैंड में करना है. दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे राइट हैंड में है. आपका ये दाहिना हाथ है. अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर, इनके बीच में आपको नीचे आना है. ठीक है, ये है हमारा मिडल फिंगर, ये है रिंग फिंगर. इसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक जॉइंट्स मिलेगा वी शेप में, देखिए हड्डियों का. फिर यहाँ पे आप उसको हल्का सा फिर से आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे लगभग 1 मिनट, यू हैव टू जस्ट प्रेस इट वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली एंड मेक श्योर यूर लाइक यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ विथ योर ईयर्स. आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपने कानों के पास लेके जाएंगे, जहां पे जिस कान से आवाज आ रही है, दोनों कान में आ रही है तो दोनों कान की तरफ. जस्ट मेक श्योर एंड यू ऑब्जर्व योर ब्रेथ. मेक इट जस्ट फॉर 60 seconds to 120, 1 से 2 मिनट करना है. एंड रिलैक्स, और रिलैक्स हो जाएं. और उसके बाद क्या करना है, आराम से आप बैठकर आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है आपका ये और अंगूठा, हल्का सा सॉरी मिडल फिंगर और अंगूठा, मिडल फिंगर अंगूठा, इस तरह से आप अपने आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं या लेट भी सकते हैं. एंड मेक श्योर कि जो ब्रेथ चल रहा है उसे महसूस करें एंड रिलैक्स. ये एक टेक्निक है जिससे कि आप टेनिटिस, कानों में जो आवाज आ रहे हैं, कानों की बीमारियों से या कम सुनाई दे रहा है, जरूर इसका फायदा होगा. आप इसे उपयोग में लाइए. आगे भी कुछ टेक्निक्स हैं, मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा. तब तक इसे आप अपनाइए
and let me know your feedback, how you are feeling now. Thank you so much for watching me. Jai Mahakal, Jai Gurudev, Jai Hind. See you soon. Thank you so much.